काफी सारे अत्याचार जो है अभी भी हो रहे हैं जाति के नाम पर। ऐसा क्या आपको नहीं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज आज उनकी जन्म जयंती है और मैं सबसे पर भीमराव अम्बेडकर जी के समाज के लिए हर क्षेत्र में किए योगदान को स्मरण करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। भारत आज़ाद होने के पश्चात आगे बढ़ करके संवैधानिक परिधि में काम करने की दिशा में जब बढ़ रहा था तो भारत के संविधान के निर्माण में कौन लोग अपना योगदान दे, कौन इस सारे काम को करे, महत्वपूर्ण काम, कठिन काम था, मुश्किल काम था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये दायित्व सौंपा गया और उन्होंने बहुत बखूबी के साथ, क्योंकि अध्ययन उनका बहुत ज़्यादा था, अध्ययन से ज़्यादा उनका जीवन का अपना एक अनुभव था, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद और अनुसूचित जाति के परिवार में जन्म लेने के पश्चात बहुत सारी सामाजिक जो हमारी ऐसी परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों के दौर में से गुजर करके जीवन में बहुत कुछ सीखा था। इसलिए उन्हें हमेशा इस लड़ाई को लड़ा कि गरीब का भला कैसे हो, वो संविधान के दायरे में उसकी मदद कैसे हो सकती है, हमारे ऐसी जातियाँ जो पिछड़ी हुई हैं जिनके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उस दृष्टि से उनके लिए हम संवैधानिक दृष्टि से क्या प्रावधान जोड़ सकते हैं जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ करके काम कर सकें। ऐसी परिस्थिति में भारत का संविधान का निर्माण हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज हम संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। आज भी हम इस बात से सहमत हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, आगे बढ़ करके समाज हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ सामाजिक कुरीतियाँ, समाज में अभी तक जो विषमताएँ हैं और जाति की बातें अगर हम कहते हैं तो उन सारी बातों को अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक करने की आवश्यकता है। तो आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जन्म जयंती पर जहाँ मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, वहाँ यही कहना चाहूँगा कि समाज में आज भी पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़े समाज के लिए काम करने की बहुत सारी आवश्यकताएं अभी भी अनुभव करते हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत जो चीज़ें की जा रही है वो की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम सब लोगों को उसको आगे बढ़ करके काम करना है।